जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि बाहर बारिश हो रही है बहुत तेज। तो चलिए ब्रेकफास्ट बनाते हैं हम लोग। दो तीन दिन ना मैंने जल्दी नहा लिया था सुबह, और अभी ऐसा हो रहा है आज लेट हो चुका है, 8 बजने वाला था तब उठे हम लोग, तो इसी वजह से पहले मैं ब्रेकफास्ट बनाऊंगी उसके बाद जाके नहाऊंगी। तो चलिए हम लोग ब्रेकफास्ट बना लेते हैं। और ब्रेकफास्ट में मेरे हस्बैंड के लिए तो कल रात को मैंने दूध पनीर बनाया हुआ था, तो ये देखिए बचा हुआ है, उनके लिए तो हो जाएगा, बाकी बनाऊँगी पापा के लिए। तो देख लेते हैं पापा के लिए क्या बना रहा है। सब्जी बिल्कुल भी नहीं पसंद है, लेकिन पापा लेके आते पापा के लिए बनाती हूँ, और कोई नहीं खाता है कुंदरू हमारे घर पे। तो आप में से मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप में से किस किस को कुंदरू खाना पसंद नहीं है, मुझे तो बहुत गंदा लगता है। तो यहाँ मैंने कुंदरू की सब्जी के छौंक के लिए ले लिया है मस्टर्ड सीड्स और जीरा, तो ये मैंने डाल दिया इसमें तेल में, और इसके साथ मैं थोड़ा सा नमक डालूंगी इसमें, इससे जो है ना जो मस्टर्ड का जो सेंट होता है ना बहुत अच्छे से आता है। और ये मैंने डाल दिया इसमें लहसुन और प्याज तेल में, इसे मैं थोड़ा सा फ्राई कर लूंगी, और इसमें मैं अब डाल दूंगी सब्जी। तो इसमें मैंने यूज़ किया हुआ है कुंदरू और परवल और आलू, तो कुंदरू जो थे बहुत कम थे, तो इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा परवल भी ऐड कर दिया। तो इसमें मैंने ये नमक हल्दी डाल दिए, और मैं इसे ऐसे ही धीमी आंच पे पकने के लिए छोड़ दूंगी। हमारी सब्जी रेडी हो गई, ये देखिए लेटा हुआ है सोफे पे बेचारा, आज नीचे नहीं गया, क्या बात नहीं, तो नीचे ही बैठ रहा था, उसको बुला बुला के भी ना हम ऊपर नहीं ला पाते पता है। और अभी क्या बोलते हैं, ये डांट खाया होगा पक्का, या तो इसको ठंड लग रही होगी, आज सुबह भी लेट उठाइए, और दिन सुबह उठ के की कोई कोई करता रहता है, और आज ये लेट उठ के बस बिस्तर के ऊपर बैठा हुआ था, तो मम्मी बोल रही थी ठंडा लग रहा है क्या बाबू लेकिन आज फिर अभी देखिए सोफे पे सोया हुआ, इसका मतलब आज उसको पक्का ठंडा लग रहा है, क्योंकि वो सोफे पे तभी चढ़ता है जब उसको ठंडा लगता है, नहीं तो वो नीचे ही रहता है, नीचे फर्श पे लेटा रहता है। और देखिए आज का वेदर तो काफ़ी अच्छा है, बहुत ठंडा ठंडा सा वेदर है, बारिश हो रही है। तो मैं अभी जो है सब्जी चढ़ा के आ चुकी हूँ, अभी फटाफट से रोटी बनाऊंगी, वैसे ही आज लेट हो चुका है बहुत ज़्यादा, 9 बज गए 9:30 से। तो चलिए हम लोग फटाफट से सुबह का ब्रेकफास्ट कंप्लीट करें उसके बाद, और मैंने अभी सुबह गिलहरी को भी दूध खिलाया है, ये देखिए मेरी गिलहरी का मैंने एक नया बॉटल बनाया है दूध का, लेकिन अभी बेचारी वो पी नहीं पा रही है, इससे तो कुछ और चीज़ सेट करनी पड़ेगी, अभी वो काफ़ी बड़ी हो चुकी है, आपको पता है उसकी आंखें भी खुल गई हैं, तो आपके साथ शेयर करना भूल गई थी, आंखें उसकी खुली है अभी 2-3 दिन हुआ है, तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी उस दिन, और मतलब कितने है? मतलब 31 अगस्त को आई थी वो, और आँखें खुली उसकी 15 या 14 सेप्टेम्बर को, तो बहुत दिनों बाद ही खुली, तो अभी वो बहुत थोड़ी सी शैतान भी हो चुकी है। ये देखिए मैं उसको लेके आई हूँ, और दिन में सुबह नहा लेती हूँ, बट आज नहीं हो पाया, आज लेट हो गया है बहुत ज़्यादा, तो अभी मैं फटाफट से ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। और विश्वकर्मा पूजा भी है, तो मम्मी पूजा करने गई है, तो आप सभी लोगों को मेरे और मेरे फैमिली वालों की तरफ से विश्वकर्मा पूजा की ढेरों सारी शुभकामनाएँ और बहुत सारा प्यार, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे और सेफ होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। तो ये देखिए thank you.
दिया वरना ठंडा ठंडा मौसम है, ठंडा भी लग जाएगा। हमने पता है अपने मैकू को भी इससे मिलवाया है, तो मिलवाया क्या दूर से दिखाया है बस, तो बहुत नोटिस करा था लेकिन उसने उतना नहीं किया जितना हम सोच रहे थे। शायद उसने उतना ध्यान नहीं दिया, वरना उसको अगर चूहा चूहा बोलो तो ना मतलब वो पागल हो जाता है, वहीं बैठे रहता है। तो अभी ये तो चूहा जैसा ही दिखता है, तो उसको मतलब अभी उसने शायद पक्का ध्यान से नहीं देखा होगा। देखिए अब उसको लग चुकी है गर्मी, इसलिए वो नीचे उतर के आ गया है। मैकू आपको गर्मी लग रही है? मैकू थोड़ा आराम से सो जाऊँ, मेरे को सोने दो, डिस्टर्ब मत करो प्लीज, इसको डिस्टर्ब मत करो। तो चलिए हम लोग फटाफट से ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, बना लेते हैं फिर करेंगे। तो देखिए हमारी सब्जी अभी भी, इसमें थोड़ा और इसको फ्राई करना है क्योंकि आलू नहीं गला हुआ इसमें। तो मेरे हस्बैंड जो हैं अभी तक नहाने गए हुए थे, जिनकी वजह से मैं नहीं जा पाई। और देखिए अभी तक नहीं नहाया क्योंकि नीचे पेशेंट आ गए थे, तो ड्रेस वगैरह निकाल के गए हैं। अभी मैं सब्जी बना ली है और आटा भी मार लिया है, और उसके बाद अभी मैं नहा लेती हूँ। पहले वो जब आएंगे तब नहा लेंगे, उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट फटाफट से बनाऊँगी क्योंकि आजकल रोज़ नहाने की आदत हो गई ना सुबह सुबह, तो सुबह नहा लेने से ना एक बहुत बड़ी जो टेंशन है वो चली जाती है। पापा बीच में जिस दिन हमारे घर पे एसी लग चुका था, तो उस दिन पापा ये दो शोपीस लेके आए थे, ये लेके आए थे और एक और है, ये देखिए हम लोगों के रूम पे भी एसी लग चुका है अब। लेकिन अभी एसी की ज़रूरत है नहीं क्योंकि अभी ठंडी आने वाली है और बारिश तो शुरू ही होगी है, तो आजकल पंखा भी नहीं चलता है, मतलब पंखा मुझे तो नहीं लगता भाई। और एक ये वाला लेके आए थे। चुका है तो अभी हम बना रहे हैं चाय, क्योंकि बारिश हो रही है तो बारिश में चाय पीना मुझे बहुत पसंद है, मतलब चाय तो मुझे बहुत अच्छी ही लगती है और वही चाय बना रही हूँ मैं अभी। तो उसके बाद मैं आज लंच की प्रिपरेशन करूँगी, और लंच में आज मैं बनाने वाली हूँ खिचड़ी। यू नो बारिश के मौसम में खिचड़ी खाना, वैसे मुझे खिचड़ी पसंद नहीं है लेकिन फिर भी लोग बोलते हैं ना बारिश होती है तो खिचड़ी खाना, बंगाली लोग में बोला जाता है कि बारिश के दिन खिचड़ी खाना बहुत अच्छा लगता है बहुत लोगों को। वैसे तो खिचड़ी मेरे को कभी पसंद थी नहीं और ना ही अभी है, बस मुझे वो जो भोग में लगती है ना खिचड़ी वो वाली अच्छी लगती है, तो मैं उसी स्टाइल में घर पे भी बनाती हूँ तभी खाती हूँ, तो वही अभी बनाने वाली हूँ मैं, और आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी कि मैं कैसे खिचड़ी बनाती हूँ। तब से पहले हम लोग बना लेते हैं चाय। ये देखिए हमारी चाय बन रही है, और आज मैंने पहनी है
साड़ी। आज विश्वकर्मा पूजा है ना, अभी मैं पूजा करके भी आ चुकी हूँ। पूजा करके आई, उसके बाद नाश्ता किया, नाश्ते के बाद अभी चाय बना रही हूँ। देखिए पूरा बिखरा पड़ा हुआ है। अभी यहाँ का तो मैंने क्लीन कर लिया है, ये देखिए इतने सारे बर्तन हैं, आज अभी धुलने पड़ेंगे क्योंकि आज मेड आई नहीं है, बारिश हो रही थी। और ये देखिए टेबल का हाल, अभी ये सब बाहर करना है, बर्तन वगैरह सब साफ करना है। बर्तन तो नहीं धोऊंगी खैर, लेकिन कुछ कुछ जिसकी मुझे ज़रूरत होगी वो मैं धुल धुल के उसको यूज़ कर लूँगी, बाकी मैं उसी में रहने दूँगी, वो मेड जब आएंगी तभी वो वॉश करेंगी। और ये कप वगैरह तो मैं खुद ही धुलती हूँ, तो ये मैं अभी खुद ही धुल दूँगी। और आज मैं आप लोगों को एक और चीज़ दिखाने वाली हूँ। देखिए जैसे मैंने ये साड़ी पहनी है ना, इसको सॉफ्ट ढकाई बोलते हैं, ढकाई जामदानी साड़ी बोलते हैं इसको, तो ये सॉफ्ट ढकाई है। तो ऐसी सॉफ्ट ढकाई मैंने एक मीशो ऐप से ऑर्डर करवाई थी, जो कि मैं आप लोगों से शेयर कर चुकी थी इससे पिछले वाले ब्लॉग में कि मैंने एक साड़ी ऑर्डर करवाई है मीशो से। तो मीशो से वो साड़ी ना मतलब डेट से पहले ही आ चुकी थी, बट मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई। आज तो 17 तारीख है और मेरी साड़ी आ चुकी थी 11 को शायद आ चुकी थी, तो वही मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगी। सेम ऐसा ही डिज़ाइन है, सब कुछ ऐसा है। ऑनलाइन मंगवाई थी तो उतना मतलब मुझे श्योरिटी नहीं हो रहा था कि कैसा आएगा नहीं आएगा, क्वालिटी अच्छी आएगी कि नहीं आएगी, लेकिन बहुत अच्छी क्वालिटी आई है। सेम ऐसी ही है, बट उसका कलर थोड़ा डिफरेंट है। मैं थोड़ा रेड में देख रही थी, फिर मेरे हस्बैंड को थोड़ा ऑरेंज ऑरेंज में उन्होंने कहीं देखा होगा, तो उन्होंने फिर बोला कि नहीं ऑरेंज वाला रहता है, ऑरेंज का अपना कलेक्शन में भी नहीं है, तो ऑरेंज साड़ी हमने ऑर्डर करवाई थी। तो अभी मैं आप लोगों को वो भी दिखाऊंगी। तो उससे पहले हम लोग पहले चाय पी लेंगे, फिर मिलते हैं आप लोगों से, जुड़े रहे मेरे साथ। और अगर आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर दबाएं, आप लोगों को मेरी जो वीडियोज़ जब भी आएंगी आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो चलिए हम लोग अभी फटाफट, कितना बच गया है, 12:30 हो गया है। देखिए अभी सभी पेशेंट भी हैं नीचे, अभी पापा और मेरे हस्बैंड गए हैं पेशेंट देखने फिर से। तो अभी मैं चाय बना ही रही हूँ, अभी आ जाएंगे तो फिर हम लोग अभी चाय पियेंगे। देखिए बारिश हुए ही जा रही है धीरे धीरे, ऐसे मुझे बारिश पसंद है लेकिन इतनी भी नहीं पसंद है कि दिन भर हो। आज मैंने बहुत दिनों बाद देखे इतने बड़े से इयर रिंग पहने हुए हैं। ये देखिए मेरे हस्बैंड का काम, मुझसे बोल रहे थे आज ये वाला इयर रिंग पहनो, उन्होंने सिलेक्ट करके दिया है, और थोड़ा बंगाली लुक ट्राई करो, ये वो ही बोल रहे थे। ये देखिए ये काजल उन्होंने ही लगाया है, ये आईब्रो वगैरह आज मतलब मैक्सिमम मेरा मेकअप इतना आइज़ का और आईब्रोज़ का उन्होंने ही किया हुआ है। लिपस्टिक का तो मैं कर ही लेती हूँ, लिपस्टिक मैंने पहले ही लगा ली थी। और देखिए पूरा ओवरऑल लुक आप लोगों को मैं फ़ोटो भी शेयर करूँगी। मुझे मम्मी की ये साड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब मुझे इस टाइप की ढकाई साड़ियाँ ना बहुत अच्छी लगती हैं। तो अभी मैको को भी खिलाना है, तो मैं अभी किचन में आऊँगी लंच बनाने और मम्मी से बोलूँगी मैको को खिलाने के लिए। तो हमारी चाय बन गई है, अब हम लोग पी लेते हैं चाय। तो ये देखिए आज हमने मम्मी को भी रेडी किया हुआ है, अरे वैसे आधा खुद ही रेडी हुई है, ये बस हेयर स्टाइल किया हुआ है। अरे आज तो मैको नीचे गया ही नहीं, देखिए सुबह से यहीं बैठा हुआ है ये मंदिर में, पॉटी करके आया, मम्मी का काम बढ़ा दिया। तो यहाँ हमने ले ली है मूंग दाल खिचड़ी बनाने के लिए, और इसको मैं थोड़ा सा खाली कढ़ाई में ही फ्राई कर लूँगी अच्छे से, इसे हमें लाइट गोल्डन होने तक का फ्राई करना है। और ये मैं इसके बाद अच्छे से वॉश कर लूँगी दाल को, क्योंकि मैंने पहले वॉश नहीं किया था, तो ये मैं दाल को अच्छे से वॉश कर रही हूँ यहाँ पर। और मैंने ऑलरेडी प्रेशर कुकर में पानी गर्म करने के लिए रखा हुआ है खिचड़ी के लिए, तो इसमें मैं दाल डाल दूंगी।
इसे जब तक ये बॉईल होता रहेगा तब तक मैं बाकी के इंग्रेडिएंट्स रेडी कर लूँगी। तो ये मैंने इसमें दाल डाल दी है। तो यहाँ देख लीजिए आप लोग, मैं यहाँ जीरा पीस रही हूँ। जीरा को मैं एकदम बारीक करके पीस लूँगी। तो मैंने यहाँ कढ़ाई पे डाल दिया है तेल। मैं मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर रही हूँ और मैंने इसमें छौंक के लिए डाला हुआ है तेज पत्ता 5 फोड़न और कुछ लाल मिर्च तोड़ के। खिचड़ी में इसका जो फ्लेवर है बहुत अच्छा लगता है। और इसमें मैंने देखिए जीरा और कद्दूकस किया हुआ अदरक डाल दिया है। आप लोग चाहे तो अदरक पीस के भी डाल सकते हैं। और ये मैंने कुछ सब्जियां ली हैं, तो इसमें मैंने लिया है पम्पकिन और आलू। आप चाहे तो इसमें फूल गोभी, मटर, जितनी टाइप की भी परवल, ये सब सब्जियां ऐड कर सकते हैं। मेरे घर पर ये तो अवेलेबल थी तो मैंने ये डाल दी हैं। इधर देखिए हम लोग ये हमने दूसरी कढ़ाई पे जो फ्राई किया होता है ये मैं खिचड़ी में डाल दूंगी मसालों के साथ, छौंक के साथ। तो इसमें ये बॉईल होता रहेगा। और यहाँ पे मैंने इसको मिक्स कर लिया। इसमें मैंने हल्दी, नमक सब कुछ डाल दिया है। और ये देखिए हरी मिर्च, हरी मिर्च को हम पीस लेंगे। उसके बाद मैंने इसमें हरी मिर्च भी डाल दी है। और ये मैं इसमें टमाटर डाल दूंगी अब, एक, ज़्यादा नहीं। आप लोग चाहें तो इसे अवॉइड भी कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो इसमें डाल भी सकते हैं। तो यहाँ मैंने तेल ले लिया है कढ़ाई पे और अभी मैं बनाने वाली हूँ मिक्स वेजिटेबल सब्जी, मतलब बंगाली है ये रेसिपी। तो इसमें मैंने डाल दिया है वही तेजपत्ता 5 फोड़न और लाल मिर्च डालूँगी मैं इसमें। और इसमें मेरे पास और जितनी सब्जियाँ थी जैसे कि बैंगन और बीन्स, आलू और परवल, ये 4 सब्जियाँ मैंने इसमें ऐड की हैं। तो मैं इसको अच्छे से ऐसे ही फ्राई कर रही हूँ अभी स्टार्टिंग में। और मैं इसमें हल्दी नमक डाल दूँगी। मैंने नमक डाल दिया है, अब मैं इसमें हल्दी डालूँगी। तो ये डाल दी हमने हल्दी। तो हम इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें हम अब पानी डाल देंगे। देखिए कलर कितना सुंदर है। और यहाँ देखिए मैंने ऑलरेडी जो है हरी मिर्च और अदरक पीस के रखा हुआ है, तो वो मैं इसमें डाल दूँगी पानी में मिक्स करके। इससे जो है इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है ये खिचड़ी के साथ। तो ये मैंने कर दिया है मिक्स। और जब ये हमारी सब्जियाँ गल जाएंगी तो इसमें मैं थोड़ा सा चीनी, थोड़ा सा घी 1 चम्मच के करीब और गरम मसाला डाल दूँगी। बस तब तक हमारी सब्जी जो है रेडी हो चुकी होगी। और ये देखिए मैं गरम मसाला पीस रही हूँ, इसे भी मैं एकदम महीन करके पीस लूँगी अच्छे से। खिचड़ी में जो दाल चावल है और सब्जी है वो अच्छे से गल चुकी है, लेकिन इसकी कंसिस्टेंसी अभी जो है बहुत पतली है। इसमें थोड़ा सा और खौलाऊँगी, इसको थोड़ा और गाढ़ा करना है। और इधर देखिए जो हमारी सब्जी है वो रेडी हो चुकी है। तो ये मैंने उतार ली है सब्जी, खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी, मम्मी बोल रही थी ऊपर छत से। अब मैं यहाँ पर पापड़ भूनने वाली हूँ। तो खिचड़ी में पापड़ या पकौड़े ना होना तो अच्छा नहीं लगता है। तो पकौड़े बनाने के लिए सब्जियां ख़त्म हो चुकी थी, तो इधर मैंने पापड़ रखा हुआ था फ्रिज पे, तो मैंने पापड़ रेडी कर लिए हैं। मैंने देखिए पापा के लिए मैं सर्व कर रही हूँ खिचड़ी। खिचड़ी जो है हमारी बन चुकी है, अच्छे से बन के रेडी हो गई है। आ जाइए आप लोग भी ज्वाइन करने के लिए। लंच में तो आज खिचड़ी है, खिचड़ी के साथ वो घैट को क्या बोलते हैं यहाँ तो पता नहीं, पर बंगाल में उसको मिक्स वेजिटेबल यहाँ पे बोल सकते हैं और बंगाली में उसको घैट बोलते हैं, लेबड़ा भी बोलते हैं। और ये देखिए पापड़ भी बनाया है। आज छुट्टी का दिन है भाई, खिचड़ी स्पेशल डे। नहीं बारिश हो रही है इसलिए खिचड़ी स्पेशल। मैं आप लोग को दिखाने वाली थी साड़ी जो मैंने मीशो से मंगवाई है। देखिए ये इसका कलर है,
काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, ये तो ऑफलाइन ही लिया हुआ है, तो सेम इसकी क्वालिटी और इसकी क्वालिटी मैंने चेक की थी तो सेम है, तो बहुत अच्छी साड़ी है, कलर भी बहुत प्रिटी है। देखिए तो मीशो में वाकई मैंने सुना था पहले कि बहुत अच्छा आता है, अब तो मैंने सोचा एक बार मंगवाया जाए, तो ये मंगवाई मैंने साड़ी, तो बहुत अच्छी निकली ये साड़ी, तो मैं सजेस्ट करूँगी, ऐसे बहुत कम रेंज में ये 535 समथिंग 600 के बीच में बहुत अच्छी सी साड़ी आपको मिल जाएगी। ये ढकाई जामदानी है, सॉफ्ट ढकाई है, ये बहुत प्रिटी है, तो मुझे तो बहुत पसंद आई, तो ये आप लोगों के साथ मैं बहुत दिनों से शेयर करना चाहती थी जो कि शेयर नहीं कर पाई थी, तो आज आप लोगों से शेयर किया। तो अगर आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ, मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग पर।